तो मैं यहाँ पर पूज्य सदगुरु अच्युतानंद सरस्वती जी शास्त्री जी महाराज की पुण्य स्मृति में 27वें वर्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी व्यासपीठ पर स्वयं हमारी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी विराजमान हैं, आज उस कथा के शुभारंभ के अवसर पर आने को का कार्यक्रम बना। और साथ ही कानपुर देहात जनपद की लगभग 60 करोड़ से अधिक लागत सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। कानपुर देहात जिले सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है, दीदी जी का हमें सहयोग मिल रहा है, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे जा रहा है। 17 नवंबर से पहले पूरी उम्मीद है कि श्री राम जन्मभूमि मामले का फैसला आने वाला है। हर राम भक्त को बहुत उत्सुकता है कि फैसला क्या आने वाला है। हम सबसे अपील करते हैं कि फैसला जो भी आएगा हम सब उसे आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, आपस का सौहार्द बनाए रखेंगे। जब से हमारी सरकार बनी है कहीं छोटा सा भी सांप्रदायिक विवाद नहीं हुआ है और भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं, इसलिए हम सबसे अपील करते हैं। मुख्यमंत्री साहब, जिले के किसान बेहाल हैं, उनको नलकूप लगवाएं, उनको विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उनकी फसलें जो है फसल नहीं हो पा रहे, क्या करना जो भी कहीं का ऐसा कोई किसान का मामला होगा, ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध होगा, बिजली भी उपलब्ध होगी, किसान हमारा भगवान है।